दुनिया जितनी तेजी से आधुनिक होते जा रही है, साइबर क्राइम भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइबर क्राइम की घटनाएं अब बिहार में भी तेजी से बढ़ने लगी है। राज्य में साइबर अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि इस बढ़ती साइबर अपराध की घटनाओं से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। साइबर अपराध की घटनाएं बिहार पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। हालांकि इस पहेली को सुलझाने और बिहार में साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए पुलिस भी कमर कस रही है। आपको बता दें कि राज्य में साइबर क्राइम की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए हर जिले में साइबर थाना खोला जाएगा। पुलिस महानिदेशक एसके सिंगल ने बताया कि मुख्यालय स्तर पर भी इसको लेकर तेजी से काम चल रहा है। पुलिस महानिदेशक एसके सिंगल ने कहा कि वर्तमान में साइबर क्राइम की घटनाएं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इसके लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इन दिनों साइबर ठग मात्र एक लिंक के माध्यम से लाखों का चूना लगा रहे हैं। आज लोग आसानी से वायरल लिंक अथवा मैसेज में दिए गए लालच में पड़ जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आप किसी तरह के मैसेज लिंक और कॉल करने वाले के झांसे में ना पड़े, वरना आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। पुलिस महानिदेशक एसके सिंगल ने बताया कि साइबर क्राइम को लेकर पूर्ण रूप से आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम काम कर रही है, लेकिन साइबर क्राइम की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भविष्य में जिला स्तर पर विस्तार की तैयारी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्य से कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया था, जिनका संबंध देश विरोधी गतिविधियों से था। ऐसे लोगों पर चल रही कार्रवाई पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि बिहार पुलिस इस पर बहुत बढ़िया काम कर रही है। एनआईए ने दोनों केस को ले लिया है। बिहार पुलिस के जो पदाधिकारी इसमें काम कर रहे थे, उनके द्वारा एनआईए को सहयोग भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में बेहतर पुलिसिंग को लगातार बड़े ऑफिसरों द्वारा बैठक किए जा रहे हैं। राज्य में पुलिस की कमियों को दूर करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार और नागरिकों की जो अपेक्षा पुलिस से रहती है, उस पर हर हाल में खरा उतरने के लिए बिहार पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही बिहार से क्राइम की घटनाओं को कम करने के लिए बिहार पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगर आप भी व्हाट्सएप अथवा फेसबुक पर आए किसी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं तो आज ही सावधान हो जाए, इससे आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।